ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कांसेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने लिख के तो आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी को पहले करना है कि आप सभी को इस वाइट बैकग्राउंड को आपको अपने पिक्सार्ट से ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आप सभी को जाना ऐड फोटो में एंड आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। अपने मॉडल को लेने के बाद गाइस आप सभी को कुछ स्टेप्स रोटेट कर लेना है एंड उसके बाद आप सभी को कुछ स्टेप्स आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देने के बाद आप सभी को अभी थोड़ा मतलब जगह छोड़ देनी ऊपर की तरफ, कि मतलब पूरे में नहीं लगाना आपको मॉडल, ठीक है, ऊपर, क्योंकि हमें अभी वो पैरट का पीएनजी लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद हमें पैरट एंड ये जो ये कैप है इसकी पीएनजी दोनों को हम ले लेते हैं। एंड उसके बाद आप सबको यहाँ पे क्या करना है, आप सबको जो कैप है पहले आप सबको अपने हेड अपने आप पहले से भी पहन के फोटो क्लिक करवा सकते हो, बाकी आप नहीं है तो आप फोटो क्लिक कराने के बाद भी आप ये पीएनजी का यूज़ कर सकते हो। तो आप सबको कुछ इस टाइप से इस पीएनजी को यहाँ पे लगा लेना है। एंड उसके बाद जो पैरट का पीएनजी आप सबको कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगाना है। तो पहले मैं इसको यहाँ पे रोटेट करके एंड यहाँ पे इरेज करके अच्छे से लगा देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे तो हमारा ये पीएनजी लग चुका है। तो अब क्या करना, आप सभी को यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में। एंड गाइस जितने भी स्नेक के पीएनजी में आने आप सभी को दे रखे हैं, तो आप सभी को सिंपली लगा लेना है। तो आप सभी को मैं यहाँ पे फटाफट बताता हूँ आप सभी को कैसे लगाना है। तो बस यहाँ पे जो हमने पीएनजी वगैरह लगा ली, तो बात आते हैं हमारी इन स्नेक पीएनजी के नीचे जो शेडो बनानी है हमें उसकी। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम जाएंगे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप सभी यहाँ पे स्नेक के नीचे आपको शेडो बनानी है। तो आप सभी को शेडो कैसे बनानी है मैं आप सभी बताता हूँ। आप सभी को ब्रश के साथ जो कुछ स्टेप्स रख लेना है एंड उसके बाद आप सभी कुछ स्टेप्स यहाँ पे पेंट करना है, ठीक है। सिंगल सिंगल पेंट करना है, ज़्यादा मतलब कि डार्क नहीं करना है, ओके, क्योंकि आपको जो पता है शेडो हमारी किस टाइप की होती है, शेडो हल्की होती है हमेशा, तो ज़्यादा डार्क नहीं करना है आप सभी को, ठीक है। तो आप सभी कुछ स्टेप से पेंट कर लेना है। इतना कर लेने के बाद अब आप सभी को करना है कि आप सभी को जाना टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आप जाना एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद उसको सैचुरेशन वाले ऑप्शन में जाना है एंड इसको आप सभी को बिल्कुल माइनस कर देना है, ठीक है। ठीक है, तो आप चाहो तो यार थोड़ा कम भी रख सकते हो, बट यार अगर आप थोड़ा कम रखोगे तो आपका जो पैरेट ऊपर देख रहे होगा जिसका इसका सैचुरेशन कम नहीं होगा, तो आप सभी को फुल सैचुरेशन उसकी कम कर देनी है। बाकी इसके बाद आप सभी को इसमें थोड़ा अलग से दोबारा से जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आप सभी को इसमें थोड़ी कलर एडजस्टिंग करनी है। तो आप सभी को जो कॉन्ट्रास्ट है आप सभी को इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। सैचुरेशन है जो इसका गैस इसको भी थोड़ा माइनस कर लेना अभी, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना हाईलाइट में। हाईलाइट को ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। शेडो को आप सभी को कम ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, तो इसमें मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यार आप सभी को अगर कोई वीडियो देखनी हो मेरे चैनल की, तो आप सभी को इन दो वीडियो में से कोई भी एक वीडियो क्लिक करो। दोनों वीडियो काफ़ी अच्छी है, आप सभी को देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इन दोनों में से कोई भी वीडियो सेलेक्ट करो, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।